मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस आज मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर है कि जब पूरे देश में इंडिया बन रहा है विपक्ष, तो उसका जवाब क्या है। उसका जवाब तलाशा गया है राष्ट्रवाद से। जी हां, बीजेपी का वो पुराना पैतरा जिसे वो हर बार अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती रही है, वही राष्ट्रवाद एक बार फिर से सामने आएगा, जो कि जवाब होगा इंडिया का। मध्य प्रदेश में इसको लेकर क्या कर रही है बीजेपी? बीजेपी एक अभियान शुरू कर रही है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब उसे मध्य प्रदेश में एक अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम का नाम है मेरी माटी मेरा देश। इस अभियान के जरिए राष्ट्रवाद के अलग को जगाया जाएगा, बताया जाएगा कि मेरी माटी कौन सी है, मेरा देश कौन सा है। इसे एक तरीके से भारत से जोड़ने की कोशिश है, पुरातन और सनातन भारत से। इसका क्या असर होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है रामजी पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने कहा था कि ये राष्ट्रवाद क्या इंडिया, जो कि एक बड़ा गठबंधन बनकर, एक नाम के साथ राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ गठबंधन बनकर उभरा है, उसका जवाब है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं डॉक्टर प्रेम व्यास की ओर। पहले मैं रुख करता हूं व्यास जी, राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी के प्रयोग नए नए देखने को मिलते हैं। चुनाव के पहले ये अभियान क्या राष्ट्रवाद की अलग को जगाने के लिए, अलग से अपने आप को प्रेजेंटेशन के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, आजादी का और आजादी के अमृत महोत्सव में शहीद परिवार के आंगनों से जो मिट्टी आएगी, उससे एक अमृत वाटिका तैयार होगी। मेरे को नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ और हो सकता है आजादी के अमृत महोत्सव में। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस तो पहले से ही बोल चुकी है, कई बार आपकी आवाज इको हो रही है जी। चलिए हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी बात शुरू करें, बोलते रहिए जी। कांग्रेस तो पूर्व से ही कह चुकी है कि क्रांतिकारी, महापुरुष, हिंदुत्व, राम मंदिर, विकास, जन कल्याण, राष्ट्र धरोहर, राष्ट्र गौरव, ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं। तो आज अगर उसके साथ हम अगर पिछले विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो समस्या क्या है? और ये दूसरा राष्ट्र को प्रेरणा देने का ही कार्य है, राष्ट्र के खिलाफ कोई कार्य नहीं है। आई डाउट, एन डाउट, डी डाउट, आई डाउट, इतने सारे डाउट भरे हुए हैं। उस डाउट से तो ये मेरे को लगता है राष्ट्रवाद की एक जो पहल करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत बेहतर है। और दूसरा मैं बता दूं, ये पहल आज ही नहीं की है, जैसे कहेंगे आज चुनाव आ रहे हैं, संपूर्ण भारत में 50 जगहों पर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासी जाति योद्धाओं के लिए संग्रहालय का निर्माण का कार्य बहुत पहले से प्रारंभ हो चुका है। और राष्ट्रवाद की अगर बात करेंगे तो बाबा साहब मऊ में हमने भव्य स्मारक बनाया है, टंटिया मामा चौराहा बनाया, चंद्रशेखर आजाद जी के लिए कुछ बनाया, भगवान बिरसा मुंडा जो जनजाति गौरव है उनके लिए एक दिवस रखा है, रानी कमलापति जी के नाम से स्टेशन बनाया, कुछ जगहों के नाम जो आक्रांताओं के नाम से उनके नाम बदले, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, जैसे बहुत सारे स्टेशन, रोड संत रविदास जी का मंदिर, ऐसे बहुत सारे चीजें हमने बनाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष के नाम से उनके लिए बनाया, संसद भवन में सर्वधर्म संभाव का एक बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ में प्रधानमंत्री जी ने पेश किया। तो हम तो पूर्व से ये करते आ रहे हैं और मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से हम लोग हर घर जाएंगे, जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वे समझेंगे, पूरी जनता ये समझेगी कि किस लिए ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, बीजेपी का अपना पॉइंट क्लियर है, वो इस तरीके के एजेंडे पर पहले भी काम करती रही है और इंडिया नहीं भी बनता तो भी यही सब होता। लेकिन जवाब में क्या कहना है कांग्रेस का, हमारे साथ पांडे जी जुड़े हुए हैं। पांडे जी, आप देख रहे हैं कि आप लोग ने जैसे ही इंडिया का नाम लिया, उससे आप लोगों की एक आइडेंटिफिकेशन नई तरीके से हो गई है। पहले आप लोगों को दूसरे नजरिए से भले देखा जाता होगा, लेकिन इंडिया ने पूरे विपक्ष को एक कर दिया है। बीजेपी की कोशिश और आप लोगों की कोशिश मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रवाद के लिए सबसे पहले बात आएगी कि राष्ट्र को गुलामी से मुक्ति दिलाना। हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम देश था, और कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों से और हमारे शहीदों के प्रयासों से ये देश आजाद हुआ। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई विचारधारा के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया, ये लोग अंग्रेजों के साथ थे,
ये राष्ट्र की आजादी ही नहीं चाहते थे। अब जो लोग राष्ट्र की आजादी नहीं चाहते थे तो वो राष्ट्र के नाम पर आज ढोंग कर रहे हैं। जब देश आजाद हुआ, संविधान बनाने का काम जब दिया गया, तो उस समय के जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे थे, कानून के ज्ञाता थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया और उनके साथ में 300 अन्य हमारे देश के बुद्धिजीवी थे। देश आजाद होने के बाद भी गोवा और सिक्किम को भारत में मिलाया गया, ये असली राष्ट्रवाद होता है। देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े इंदिरा गांधी द्वारा किए गए, ये असल राष्ट्रवाद होता है। प्रथम परमाणु विस्फोट श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया, ये राष्ट्रवाद होता है। हमने आईआईटी बनाए, आईआईटी से निकले हुए छात्र आज पूरी दुनिया के अंदर सर्वोच्च स्थान पर हैं, चाहे वो गूगल हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, जितनी भी बड़ी दुनिया की कंपनी में वहां आईआईटी के छात्र जा रहे हैं। आईआईएम हमने बनाए, इसरो की हमने स्थापना की जहां के लिए चंद्रयान और मंगलयान जा रहे हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हमने बनाए, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो ये राष्ट्रवाद होता है और सही राष्ट्रवाद होता है कि लोगों को जोड़ के रखना, जो लेकिन लेकिन उसके बाद जो लोग आए क्या विरोधी कहलाता है, ठीक है। जो लोगों को जोड़ने की बात करता है वो राष्ट्रवादी कहलाता है, जो लोगों के बीच में दीवार खड़ी करता है वो राष्ट्रद्रोही कहलाता है, जो लोगों के बीच की दीवार को गिराता है वो राष्ट्रवादी और राष्ट्रप्रेमी कहलाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि ये फर्जी पार्टी है तो ये फर्जी बातें करते हैं और इनका जो राष्ट्रवाद भी है वो फर्जी है। यदि आप राष्ट्रवादी हैं तो एक दो लाइन आती है ना कि इधर उधर की बात पत कर काफिला क्यों लुटा, आप ये बताइए कि लोगों को रोजगार कब मिलेगा। यदि आप लोगों को रोजगार देते हैं तो ये राष्ट्रवाद माना जाएगा, आप महंगाई कम करते हैं तो राष्ट्रवाद माना जाएगा, आप 35 रुपए में पेट्रोल डीजल देते हैं तो ये राष्ट्रवाद माना जाएगा, आप सरकारी संपत्तियों को नहीं बेचते हैं सरकारी संपत्तियां बनाते हैं तो ये राष्ट्रवाद माना जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है फर्जी है, नौटंकी है। और भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को उठाती है, क्योंकि हमारे देश की जनता जो मिट्टी है, पानी है, नदियां हैं, वृक्ष है, इनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है। पांडे जी, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप लोग पुरानी उपलब्धियों को बताकर ही अभी फिर से वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे? नेहरू जी, इंदिरा जी के समय की चीजें क्या अभी वो काम कर पाएंगे? अभी का समय बदल चुका है, 8-9 साल से बीजेपी है, अभी तो खामियां बतानी होंगी बीजेपी की। चलिए इस पर आएंगे, लेकिन व्यास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं पहले, ठीक है? व्यास जी फट से बोल दीजिए, उसके बाद मैं पांडे जी के पास। जैसे अभी उन्होंने कहा ये फर्जी पार्टी, में आपसे पूछना था तो 1948 में शपथ नेहरू जी को किसने दिलाई थी? उस समय जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इसके अध्यक्ष कौन थे और जो पाकिस्तान बना था उसको, जिन्ना को शपथ किसने दिलाई थी? ये ठीक जी, चलिए वो तो आजादी के समय सत्ता का हस्तांतरण संविधान बनने तक हुआ है व्यास जी। उस समय ये काम वायसराय का था, 1947 से 1950 तक, 1950 तक जब तक संविधान बन रहा था तब तक ये वायसराय के अंडर में था और वायसराय राजगोपालचारी भी थे, तो राजगोपालचारी जी ने सबको शपथ दिलाई थी। 1950 में हमारा देश का संविधान बना और उसके बाद पूर्ण रूप से हमारा देश आजाद हुआ। जॉर्ज माउंटबेटन ने क्यों दिलवाई शपथ, उस समय विरोध क्यों नहीं करा? नहीं, सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था। माउंटबेटन उस समय के वायसराय थे और एक आदमी वायसराय के बाद राजगोपालचारी भी थे, तो कोई ना कोई तो शपथ दिलाता। आपको शपथ दिलाने से क्या दिक्कत है? आपको नेहरू जी ने आईआईटी बनवाया उससे क्या समस्या है? आईआईएम बनवाया उससे क्या समस्या है? हमारे देश प्रदेश नुकसान क्या हुआ? आपका कैसा फर्जी राष्ट्रवाद है? क्या प्रधानमंत्री घर में बैठे हुए संसद में बात करने नहीं जा रहे? मणिपुर पर कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश पर आइए, मध्य प्रदेश पर, ठीक है? हमारी चर्चा आज मध्य प्रदेश पर है। व्यास जी आपसे निवेदन है, व्यास जी मध्य प्रदेश पर केंद्रित हम बात करेंगे। हम देश की राजनीति के बाद जो इफेक्ट मध्य प्रदेश की राजनीति पर पड़ रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। दोनों वक्ताओं के पास मैं आऊंगा, पहले हमारे साथ हैं गौरव चतुर्वेदी जी, उनकी टिप्पणी ले लेते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चतुर्वेदी जी, मध्य प्रदेश में भी ये चल रहा है कि तेरा राष्ट्रवाद मेरा राष्ट्रवाद, और इसको लेकर जो चीजें हो रही है, आपका क्या मानना है? मध्य प्रदेश में इन बातों का असर होगा स्थानीय मुद्दों से ज्यादा?
नहीं देखिए, दोनों ही राजनीतिक दलों को तेरा और मेरा राष्ट्रवाद बंद करना पड़ेगा। राष्ट्रवाद सिर्फ राष्ट्रवाद होता है जी जी। राष्ट्रवाद का असल मतलब है विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं। आप जितनी ज्यादा से ज्यादा चला सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकते हैं, ये असल राष्ट्रवाद है। मिट्टी इकट्ठी कर आप एक प्रतीक दिखाना चाहते हैं, मंदिर बनाकर आप एक प्रतीक दिखाना चाहते हैं, तो ये सिर्फ मतदाताओं को भ्रमित करने का काम माना जा सकता है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी करे या कांग्रेस करे, कथाएं कर या यात्राएं निकालकर, धार्मिक यात्राएं निकालकर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव असल मुद्दों पर लड़ा जाता है कि आम मतदाता की आवश्यकता क्या है, आम मतदाता को विकास कैसा चाहिए, इन प्रमुख बातों की ओर ध्यान देना चाहिए दोनों ही राजनीतिक दलों को, बजाय इसके कि हम मिट्टी इकट्ठी करके ये लोगों को बताएं कि हम राष्ट्रवाद के असल पुरोधा हैं। ठीक है, तो दोनों वक्ताओं के लिए एक सलाह भी दी है चतुर्वेदी जी ने, और विश्लेषण भी किया है कि राष्ट्रवाद इस तरीके से प्रदर्शन से नहीं पता चलता, इसके लिए कोशिश करनी होती है और जनता इसको तय करती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से लौटते हैं और पांडे जी की ओर मैं रुक करता हूं। पांडे जी, अब जब ये अभियान चल ही रहा है बीजेपी का, आप लोगों का अलग अभियान चल रहा है, इसका उद्देश्य भी आप समझ रहे हैं कि बीजेपी किन उद्देश्यों को लेकर कर रही है, अभियानों की तुलना में कांग्रेस की तरफ से क्या होगा, कांग्रेस क्या करेगी इनके इनके सामने, इनके विरुद्ध या इस तरीके की चीजों को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस की ओर से क्या होने वाला है? देखिए, पहले ही बात तो चतुर्वेदी जी ने जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा। कांग्रेस का जो पहला सिद्धांत है, पहला फोकस है, वो विकास ही है। भारतीय जनता पार्टी का जो पहला फोकस है वो लोगों को धोखा देना है, क्योंकि हमारे देश में नदियों की पूजा की जाती है, धरती की पूजा की जाती है, धर्म में बहुत ज्यादा आस्था होती है, सेना के प्रति आस्था होती है, देश के प्रति आस्था होती है। तो भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों पर जनता को भ्रमित करती है और जनता को धोखा देती है, जबकि जनता को चाहिए रोजगार, महंगाई से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति। अब हमारी जहां तक बात है तो हम तो प्रमाण दे चुके हैं, एक बार नहीं कई बार दे चुके हैं। मनमोहन सिंह जी का ही आप कार्यकाल देखिए, मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था वो टोटल विकास के ऊपर फोकस था। साइकिल वाले मोटरसाइकिल पर आ गए थे, मोटरसाइकिल वाले कारों पर आ गए थे, कारों वाले हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे, रोड बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, दुनिया में नाम हो रहा था, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी जो मोदी जी अब पांचवी अर्थव्यवस्था पर ले गए हैं। तो टोटल हमारा जो फोकस था वो विकास पर था, चंद्रमा पर जाना, सूर्य पर जाना, आईआईटी बनाना, आईआईएम बनाना, टोटल फोकस हमारा विकास पर था। और ये धर्म होता है, ये पर्सनल मामला होता है, व्यक्तिगत मामला होता है, जिसको जिस धर्म में आस्था है वो उस धर्म को माने, जिस भगवान में आस्था है उस भगवान को माने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जनता के असल मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करती। अब चूंकि मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने हार मान ली है, इसलिए शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मध्य प्रदेश से तो मोदी जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे, मोदी जी मध्य प्रदेश में आकर चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी और अमित शाह चेहरा रहेंगे, मोदी जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की यदि टोटल बातों को बोला जाए तो ये केवल नाटक करती है, ड्रामा करती है, और एनडीए का मतलब यही है, नाटक कंपनी, ड्रामा कंपनी, अलायंस कंपनी, ये एनडीए का फुल फॉर्म है। व्यास जी जवाब देंगे, कुल मिलाकर लबुल हुआ भी है ये है कि देश की राजनीति से अलग अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात की भी जाए तो कांग्रेस ने अपने अलग मुद्दे सेट किए हुए, उनके आधार पर वो वोट मांगेगी। व्यास जी जवाब देते हुए अपने अभियान के बारे में बताइए। इन्होंने दोनों चीजों की बात करी, जिसमें राष्ट्रवाद की बात भी हुई है और प्रगति की विकास की बात भी हुई। तो मैं आपको बता दूं, विकास में भारत अग्रसर है, मोबाइल सेक्टर्स में भारत आज दूसरी बड़ी शक्ति है। जॉर्जिफा उनका पूरा नाम बोल रहा हूँ, उनका एक स्टेटमेंट है कि आगामी आने वाले वर्ष में भारत महाशक्ति बन के उभरेगा हर सेक्टर्स में, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी भारत दूसरी पोजिशन पे है। एक जो दो साल का स्लैम था जहां पर आधे से ज्यादा देश औंधे मुंह गिरे हैं, आज देखो G7 से ज्यादा उन्नति हमने करी, G7 देश के समूह जितने भी है उनके महंगाई दर देखिए और विकास दर देखिए। G20 देश में दावा करता हूं आपका, G20 देशों की विकास दर और अपनी विकास दर देखिए। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश भी 19.5 या 6% के साथ में विकास दर में ऊपर है, 38% जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो
व्यवस्थाएं करी थी, पानी सड़क सभी की व्यवस्था करी थी, 38% के साथ गेहूं तिलन और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ऊपर है। आज बिजली की परिस्थिति जो पहले हर एक घंटे में जाती थी बंटाडा सरकार में, वो उसकी परिस्थिति क्या है? अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये सब मुद्दे हम साथ में लेके चलते हैं। आज विकास की इबारत लिख रहा है, 5-5 से 6-6 देशों में भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। दूसरी बात, अगर राष्ट्रवाद पे आते हैं और जैसे इन्होंने प्रारंभ किया तो मैं बताता हूँ, राहुल जी की जो केरल यात्रा थी और जैसे इन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह जी का क्या स्टेटमेंट था कि सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत चाहिए, ये सेना से सबूत मांगते हैं, इनको उस पर उनकी बात पर भरोसा नहीं था। केरला की अगर मैं बात करूंगा तो गांधी जी इनकी जो यात्रा थी उसमें गांधीवादी नायर जी से मिलने नहीं गए थे, ये उस व्यक्ति से मिलने गए थे जिसने सड़क पर बीफ पार्टी दी। दूसरी बात, जॉर्ज पुनिया तमिलनाडु, जिन्होंने ये कहा था कि भारत की धरती पर अगर मैं कदम रखूंगा तो मेरे कदम मेले हो जाएंगे, ये उससे मिलने गए थे, उसके चरण छूने गए थे। फादर जोसेफ जिनके हाथ काट दिए गए थे, ये उनसे मिलने नहीं गए थे, ये इनका राष्ट्रवाद है। कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं कि हिंदू शब्द गंदा है तो उसको यात्रा में अपने साथ में लेते हैं, ये इनका राष्ट्रवाद है। ये जाकिर नाइक को शांति का मसीहा बताते हैं मध्य प्रदेश की धरती से, ये इनका राष्ट्रवाद है। ईश्वर जहां को बेटी बताते हैं, ये इनका राष्ट्रवाद है। अफजल गुरु हालात का मारा है, ये इनका राष्ट्रवाद है। बुरहानवाड़ी भटका हुआ नौजवान है, ये इनका राष्ट्रवाद है। अगर ये इनका राष्ट्रवाद है तो सोनिया जी ने फिर कहा था कि लक्षित हिंसा मुद्दा लेकर आई थी बिल लेकर 2010 और 2011 में पुरजोर विरोध हुआ। चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित हो रही है हमारी बहस, राष्ट्रीय स्तर पर जारी है। लेकिन एक टिप्पणी मैं चतुर्वेदी जी से ले लेता हूं। इन सब के साथ प्रगति भी चल रही है, सरकार का कामकाज भी चल रहा है, इनकम्बेंसी भी चर्चा में है, पर राष्ट्रवाद की एक लहर जरूर मध्य प्रदेश में है। इसका असर क्या राजनीतिक रूप से देखते हैं, यह असर करेगी क्या राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे मध्य प्रदेश में असर करेंगे क्या चतुर्वेदी जी? नहीं, स्वाभाविक तौर पर जब किसी भावनाओं को उभार कर अगर वोट मांगे जाते हैं तो उस भावना के हिसाब से लोग बहते हैं, चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और मुझे लगता है कि अगर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आगे जाने का काम कर रही चुनाव में तो निश्चित रूप से उसे फायदा होगा। लेकिन मेरा फिर यही कहना है कि इस तरीके के मुद्दों को उभार करके आम जनता को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। आपने जो विकास कार्य किया है, आपकी जो उपलब्धियां हैं, उनके आधार पर चुनाव लड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उपलब्धियों के आधार पर लड़ना चाहिए। पांडे जी की ओर मैं रुक करता हूँ। पांडे जी, आप लोगों की ओर से जब ये बातें आई कि इंडिया यानी कि देश और इंडिया यानी कि विपक्ष, तब ये इस तरीके की बातों को बीजेपी भी आगे बढ़ा रही है, इसमें गलत क्या है? जब आप लोग वो कोशिश करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया रूप में दूसरी ओर से भी कोशिश दिखती है। पांडे जी देखिए, रिसेंटली बीजेपी ये जो मध्य प्रदेश में नाटक कर रही है, सारे ये कर्नाटक में कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। तो जब कर्नाटक की जनता ने उनको नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया और सारे नाटक वही थे जो मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, तो कहते ना काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो इनके जो फर्जी पार्टी के फर्जी राष्ट्रवाद को, फर्जी बातों को और इनके ढोंग को अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने या जो भी नेता है कितना झूठ बोला, और ये झूठ कहां से सीखते हैं? आपको याद होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी तब इनकी पार्टी की बड़ी नेता है, केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, उन्होंने क्या कहा था कि राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की थी तो विवेकानंद जी को प्रणाम कर यात्रा शुरू क्यों नहीं की? ये राहुल गांधी ने बहुत गलत किया। लेकिन मीडिया ने, हमने और जनता ने जब ये बताया कि राहुल गांधी जी की जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो उन्होंने विवेकानंद जी को प्रणाम करके, वहां की सबसे बड़ी स्टेच्यू को प्रणाम करके, विवेकानंद जी की परिक्रमा देने के बाद ही यात्रा शुरू की थी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं झूठ बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं, और इनके झूठों का जवाब मैं, आप, मीडिया, जनता तो छोड़िए भगवान भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए इनको कर्नाटक में सबक मिल चुका है, हिमाचल में मिल चुका है, इनकी नौटंकी या इनका फर्जीपन जनता के सामने आ चुका है। जनता को वही चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। जनता जानना चाहती है कि हमारे भगवान की मूर्तियों को महाकाल लोक में क्यों भ्रष्टाचार किया गया? आप ईश्वर के साथ भ्रष्टाचार कर सकते हैं, सतपाड़ा भवन की फाइलों को, भ्रष्टाचार की जो फाइलें थी वहां क्यों जला दिया गया?
कारम बांध थोड़े से पानी भर जाता है पूरा डैम बह जाता है। 100 करोड़ के डैम में 300 करोड़ रुपए लगा दिया, चीते को पालने के लिए आपने हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, 9 चीते वहां मर चुके हैं। तो जितनी भी हम भारतीय जनता पार्टी की बातें देखेंगे, फर्जी बातें देखेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी को देखिए, आप प्रतिदिन घोषणाएं कर रहे हैं, जवाब जवाब ले जवाब लेंगे आपकी पूरी बात। 2-3 महीने में पूरी नहीं की जा सकती। पांडे जी पूरी 100 करोड़ रुपया प्रतिदिन लोन ले रहे हैं। पांडे जी आ गए आपकी बात, प्रतिदिन कर्ज ले रहे। ठीक है ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, देश को कर्ज पे, प्रदेश को कर्ज। व्यास जी से जवाब जवाब सुन लीजिए, जवाब तो सुनिए। ठीक है, कर्ज पहले 31% था महानुभाव 2003 के हिसाब से, आज प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 29% पर है। विकास कार्यों के साथ में पहले 5 मेडिकल कॉलेज था, 25 मेडिकल कॉलेज है। IIM ITI इंदौर में शान बढ़ाता है। पहले जिला अस्पतालों की संख्या कितनी होती थी? 35, आज 51 जिला अस्पतालों की संख्या है। ऐसे हर क्षेत्र में काम करा है, किसानों के लिए काम करा है, 50,000 के कृषि ऋण जो है उनके उसके ब्याज माफ करे, 80,000 के आसपास जो कृषि ऋण दिया है वो 0% ब्याज दरों पे किया। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? बिजली में आप देखेंगे तो 28,000 हॉर्स पावर के आसपास बिजली हम प्रज्वलित कर रहे हैं आज की तारीख में। पहले के समय पे क्या था? विकास की बात अगर आप करेंगे तो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी धरातल पर अगर विकास कर रही है, उसके डाटा मौजूद है, लोग उसके साक्षी है। दूसरी बात जो आपने कही थी, मैं परिवारवाद वाली राजनीति नहीं करता हूँ, हम राष्ट्र नीति राष्ट्रवाद वाली राजनीति करते हैं। आपके यहाँ एक परिवार का व्यक्ति अगर आके तय करता है तो मेरे को उससे कोई, नरेंद्र मोदी जी अगर पूरे देश में काम कर रहे हैं तो उनको उनकी जो नीतियां है वो धरातल पे लेकर आना हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात जो आपने कही थी, आप राष्ट्रवादी हैं तो धारा 370-35A के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? NRCCA के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? राम मंदिर के खिलाफ 3 दशकों से कौन लड़ रहा है? मैं आपकी राष्ट्रवादी पर। दूसरा जो आपने कहा बीजेपी झूठ बोलती है, चलिए राष्ट्रवाद को लेकर अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, लेकिन हम भी कोशिश ये करेंगे कि राष्ट्रवाद एक हो और राष्ट्र जब एक है तो सब एक होकर राष्ट्र की सेवा की बात करें। मुद्दे राजनीतिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, विधानसभा चुनाव है इसलिए प्रदेश के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। समय कम है इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ रामजी पांडे जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव चतुर्वेदी जी थे, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। और बड़ी बहस मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति खेल है, शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। TV24। मंजिलें हो चाहे जितनी पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।